नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप ए पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित टॉपिक जारी है। अभी आप पढ़ रहे हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक। 20 अंक के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है आपका। भाषाई कौशल में आपने सुनना ये यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके बाद में मित्रों, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, इन भाषाई कौशलों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं आज। वीडियो को लाइक करें मित्रों, अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। देखते हैं आज का खास टॉपिक, भाषाई कौशलों का विकास, और इसमें बोलना, पढ़ना एवं लिखना। सबसे पहले दे रखा है आपका भाषण कौशल, स्पीच स्किल्स। भाषण का अर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्पीकिंग या स्पीच कहते हैं। जब छात्र अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है तो उसे भाषण कौशल का सहारा लेना पड़ता है। अपने जो भी विचार हैं या भाव हैं उनको स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? भाषण कौशल के माध्यम से। और भाषण का अर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी बोल करके बताना, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्पीकिंग या स्पीच। भाषा कौशल के आधार पर ही उनकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जब एक छात्र सहस्वर एवं धारा प्रवाह रूप में बोलते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो यह माना जाता है कि उसमें भाषण कौशल की योग्यता है। भाषण कौशल के या भाषा कौशल के आधार पर ही उनके अभिव्यक्ति का, जो भी उनके द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। किस प्रकार से बालक बोल रहा है, सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसका स्वर किस प्रकार का है, धारा प्रवाह किस प्रकार की है, तो ये सब कुछ अपन जान सकते हैं भाषा कौशल के माध्यम से। आगे दे रखा है मित्रों इसमें, फ्रांसीसी लेखक कालाइल ने कहा है कि भाषण के दौरान कुछ पल का विराम और मौन भाषण शक्ति को प्रखर बनाते हैं। भाषण के दौरान अगर कुछ पल का विराम लिया है और मौन भाषण शक्ति को प्रखर बनाते हैं, तो ये नहीं कि लगातार बस पढ़े ही जा रहे हैं जल्दी जल्दी। शब्दों के बीच में या वाक्य के बीच में बहुत सारे विरामों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ा जाए, रुकते रुकते आराम से पढ़ना चाहिए। भाषण कौशल के उद्देश्य एवं महत्व, एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। देखिए क्या होती है, भाषण कौशल के उद्देश्य एवं भाषा शिक्षण में इसके महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। भाषण कौशल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। भाषण कौशल को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भाषा की शिक्षा का आधार वाचन कौशल होता है। इसके महत्व को अगर लिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, पहला है, दैनिक जीवन में सभी कार्य भाषण कौशल के आधार पर ही संभव हैं। जो छात्र जितना अधिक वाकपटु होता है, यानी बोलने में माहिर जिसको कहते हैं, उतना ही जीवन में सफल माना जाता है। कुछ अमूक रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, तो उनको जीवन में सफल नहीं माना जाता है। 100 में से मान लीजिए 1% होते हैं वो अमूक रहने वाले सफल हो जाते हैं, लेकिन 99% इस प्रकार के बालक सफलता हासिल करते हैं जो वाकपटु होते हैं। क्या होते हैं? वाकपटु, यानी बोलने में सक्षम हो। जो भाषण कौशल के माध्यम से छात्र द्वारा कठिन विचारों को भी सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है या किया जा सकता है, तथा दूसरे के मनोभावों को भी सरलतम रूप में समझा जा सकता है। तो ये है भाषण कौशल के माध्यम से छात्र द्वारा कठिन विचारों, जो भी कठिन विचार हैं, उनको भी सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है अपने भाषण के द्वारा। भाषण कौशल के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व विकसित होता है क्योंकि वे प्रत्येक तथ्य का प्रस्तुतिकरण सार गर्भित एवं प्रभावी रूप से करने में सक्षम होते हैं। सार गर्भित यानी उसका अच्छे से सार निकाल करके
प्रभावी रूप से करने में सक्षम होते। भाषण कौशल के माध्यम से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में, क्योंकि वाचन में अनेक प्रकार के नवीन शब्दों को बोलने का प्रयास करता है। वाचन जब भी करता है तो अनेक प्रकार के नवीन शब्दों यानी नए शब्दों को बोलने का प्रयास करता है बालक। और इसके उद्देश्य देखिए क्या है, एम्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, भाषण कौशल के उद्देश्य। भाषण कौशल के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है इसमें छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास करना, जिससे कि वे सभी तथ्यों का सार गर्भित प्रस्तुतिकरण कर सकें। भाषण कौशल के उद्देश्य छात्रों में कार्मिक रूप से तथा धारा प्रवाह रूप में बोलने की क्षमता विकसित करते हैं, जिससे विभिन्न भाषी प्रकरणों पर अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर सकें। तो ये पढ़ने वाला मैटर है मित्रों, ये उद्देश्य दे रखे हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? छात्रों में संकोच एवं झिझक को दूर करके आत्मविश्वास की भावना जागृत करना तथा जिससे भाषा के अनेक प्रकरणों पर धारा प्रवाह रूप में आत्मविश्वास के साथ बोल सकें, कोई भी संकोच ना हो उनमें, झिझक ना हो, इसको दूर करने के लिए आत्मविश्वास की भावना जागृत करना जिससे भाषा के अनेक प्रकरण हैं उन पर धारा प्रवाह रूप में आत्मविश्वास के साथ वो बोल सकें। नेक्स्ट उद्देश्य है मित्रों, छात्रों में प्रसंगा अनुसार मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग की क्षमता विकसित करना, जिससे वे अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावोत्पादक बना सकें। यानी जो भी प्रसंग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें मुहावरे लोकोक्तियां इनका प्रयोग करके और ज़्यादा जो प्रस्तुतिकरण है उसका प्रभाव उत्पादन कर सकते हैं। भाषण कौशल संबंधी प्रमुख समस्याएं देखिए क्या क्या आती हैं भाषण कौशल में। भाषा कौशल के विकास में अनेक प्रकार की समस्याएं भाषा शिक्षक द्वारा अनुभूत की जाती हैं, यानी अनुभव इनसे मिलता है। इन समस्याओं के कारण ही भाषण कौशल का विकास संभव नहीं हो पाता है, इसलिए छात्रों में सर्वप्रथम भाषण कौशल के विकास हेतु उनके मार्ग की बाधाओं को जानना तथा उन्हें दूर करना एक भाषा शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। भाषण कौशल की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो भाषण कौशल से संबंधित हैं। पहली दे रखी है मित्रों इसमें, भाषण कौशल की प्रमुख बाधा छात्र में आत्मविश्वास के अभाव को माना जाता है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो भाषण कौशल सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं होगा, इसके कारण छात्र अपने कथन में ओजस्विता नहीं ला पाते हैं। जिस तेज के साथ बोलना चाहिए, दूसरे के सामने प्रकट करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, किसके बिना, बिना आत्मविश्वास के। और आत्मविश्वास होगा तो जो भी प्रस्तुतिकरण है, जो भी बोलना चाहते हैं आप किसी दूसरे के सामने, वो अच्छे से बोल पाएंगे। तो ये पहली बाधा आती है समस्या। और देखिए, छात्रों द्वारा अपने भाषण में शब्दों का अशुद्ध उच्चारण किया जाता है, जिससे कि भाषण में अर्थ का अनर्थ उत्पन्न हो जाता है तथा भाषण की सार्थकता एवं प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। जितना प्रभाव छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ पाते, भाषण की जो सार्थकता है वो समाप्त हो जाती है, अर्थ का अनर्थ होना। तो अशुद्ध उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो जो सुनते हैं वो बिल्कुल ऊब जाते हैं। छात्र अपने भाषण में दोषपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिनमें कर्ता, क्रिया, कर्म एवं विशेषण को उचित स्थान नहीं मिलता है, इससे भाषण कौशल दोषपूर्ण हो जाता है। भाषण में प्रकरण एवं विद्या की आवश्यकता के अनुसार भाव एवं लाइव का अभाव भी भाषण को दोषपूर्ण बना देता है तथा भाषण प्रभावहीन हो जाता है। प्रकरण एवं विद्या की आवश्यकता के अनुसार भाव है या अभाव है, वो भी भाषण को दोषपूर्ण बना देते हैं। अगर सही प्रकार से आपने जो भाव आपके हैं वो दूसरे के सामने आप प्रकट नहीं कर पा रहे,
या कुछ शब्दों का अभाव है वहां पर, तो भी दोषपूर्ण भाषणों को माना जाता है। भाषण कौशल के विकास के उपाय, क्या क्या उपाय हैं, विकास किस प्रकार से कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान। भाषण कौशल के विकास में भाषा शिक्षक एवं विद्यालय व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक और विद्यालय व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखने को मिलती है। देखिए, शिक्षक को भाषण कौशल के विकास हेतु बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करनी चाहिए तथा उसके संकोच को समाप्त करना चाहिए। कभी मान लीजिए कोई विद्यार्थी भाषण बोल रहा है, भाषण का प्रयोग कर रहा है, तो उस समय मान लीजिए बचपना है और उसमें गलतियां हो जाती हैं, तो उनको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए शिक्षक को कि आपको तो कुछ नहीं आता है। उसके आत्मविश्वास को गिराना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए किसी भी प्रकार से, कि कोई बात नहीं है, आज आपने इस प्रकार से बोला है तो कल अगली बार जब भी आप बोलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर करेंगे, आज भी आपका अच्छा था, इस प्रकार से आपको बोलना होगा, जिससे उसमें आत्मविश्वास जगे और वह आगामी जो भी भाषण है वो अच्छे से कर सके। छात्रों को शिक्षक द्वारा उसके भाषण को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए तथा उनकी त्रुटियों को दूर करने में आत्मीय व्यवहार का सहारा लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने कुछ गलतियां की है तो उसको डांटते हैं, फटकार दे कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता है, क्या बोल रहा है, तेरे से अच्छा तो वो है, वो देख कितना अच्छा बोलता है, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार से बोलें कि उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। हालांकि आपको पता है कि उसने बहुत सारी त्रुटियां की, लेकिन फिर भी उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको इस प्रकार के वक्तव्य उसके सामने रखने होंगे जिससे उसका आत्मविश्वास उजागर हो। शिक्षक द्वारा छात्रों को भाषण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा समय समय पर उनके पृष्ठ पोषण प्रदान करना चाहिए। छात्रों को भाषण में एक ही शब्द जैसे मतलब तथा एक ही वाक्य के प्रयोग को बार बार करने से जिससे भाषण को प्रभाव उत्पादक बनाया जा सके। ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है भाषण, आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही ज्यादा सामने वाला आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो बोलने का तरीका इस प्रकार का हो, कुछ शब्दों पर जोर दिया जाए, कुछ शब्दों के बीच में विराम लिया जाए, तो इस प्रकार से ये बोलने की एक कला है। तीसरा इसमें आता है आपका वाचन या पठन कौशल, रीडिंग स्किल। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप है। उच्चरित रूप है, इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। मुद्रित रूप है, यानी जो छपा हुआ है, लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ना पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के पत्ते हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाती है और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है वाचन कहलाती है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के पत्ते हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं। जो भी आप बोल रहे हैं, पढ़ाना आरंभ कर रहे हैं और हम उसे उच्चारित करते हैं, तो ये मस्तिष्क के कक्ष भाग में शुरुआती बात की जाए तो क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं, तभी आप बोल पाते हैं, उच्चारण का कर पाते हैं। जिसमें शब्दों के साथ में अर्थ है उसका, उसकी ध्वनि है, ये भी निहित होते हैं, इसी को कहते हैं वाचन। आगे देखिए, कैथरीन ओकानर के मतानुसार वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य सर्वे सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। अब आगे देखिए मित्रों, इसमें वाचन पठन कौशल का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में
अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता है। वचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। वचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। वचन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांति होती है। यानी ज्ञान को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा आप में है, वो संदर्भ ग्रंथ यानी संदर्भ के अनुसार उसको पढ़ने से, उसके ज्ञान में वृद्धि करने से कुछ हद तक शांत होती है ज्ञान को जानने की इच्छा। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में, वह श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है। यह जानकारी उसे किससे मिलती है? पुस्तकों से मिलती है। विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति कोई भी व्यवसाय में हो। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य देखिए, बालकों के सवर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि यथावसर बाहों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। लोच देकर यानी अच्छे से गहराई पूर्वक आरोह अवरोह स्वरों का चढ़ता बढ़ता क्रम, घटता क्रम। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह है वह जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझें, दूसरों को भी समझाएं। वाचन का यही एक उद्देश्य है। छात्र जो भी पढ़ रहे हैं उसका भाव पहले स्वयं समझें, उसके बाद में दूसरों को भी समझाएं। यही वाचन का उद्देश्य है मुख्य। वाचन के माध्यम से जो भी शब्द हैं उन पर उचित बल दिया जाता है, चाहे कितने भी शब्द आप पढ़ रहे हो। और छात्र मुंह व जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। बिन जीवा के तो उच्चारण होगा ही नहीं मित्रों। वाचन के अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सहस्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है समय के अनुसार। वाचन पठन संबंधी त्रुटियां देखें। कौन कौन सी त्रुटियां हैं? अटक अटक कर पढ़ना, पहला तो क्या हो गया, अटक अटक कर पढ़ना। वाचन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों से सन्निकट या दूर रखना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत ही उसको पुस्तक को पास में रख लेते हैं, एकदम टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं, और कुछ इतनी दूर पुस्तक को रख लेते हैं और आप खुद पीछे हट जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से देखते हैं। तो ये नहीं करना है और ये भी नहीं करना है। कुछ निश्चित दूरी है उसी पर रखकर पुस्तक को पढ़ें। अनुचित मुद्रा का प्रयोग ना करें वाचन के समय। अशुद्ध उच्चारण का प्रयोग ना करें। अटक अटक कर आप ना पढ़ें छोटे बच्चों की तरह। वाचन में गति का ना होना, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना, पाठ्य सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्ताक्षर संबंधी त्रुटियां होना, भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, भाव के अनुकूल के अनुसार जैसा भाव है शब्दों में, कविता में, कहानी में, उसी के अनुसार आरोह अवरोह करते हुए पढ़ना चाहिए। शब्दों के उतार चढ़ाव, वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, अध्यापक का व्यवहार है। तो ये कुछ हैं, देखिए अशुद्ध उच्चारण है, टक टक कर पढ़ना है संबंधी, वाचन संबंधी त्रुटियां, तो ये नहीं होनी चाहिए वाचन करते समय। अब निवारण भी है इनके कुछ। निवारण देखिए, आवर्ती पुनरावर्ती, इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवर्ती या पुनरावर्ती के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। एक शब्द कमल है, अक्सर इसको पढ़ रहे हैं बालक, पढ़ रहे हैं टूटा फूटा, पढ़ रहे हैं कोई कह मैं ल ऐसे बोल रहा है और किसी को पूरा नहीं पढ़ना आ रहा है, तो उसको क्या है, इन शब्दों का बार बार अभ्यास कराया जाए।
जिससे उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सके। वातावरण परिवर्तन बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। चिकित्सा विधि, यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों के वाचन संबंधी कठिनाई हो, तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव होना चाहिए। मानसिक स्तर के अनुकूल, बच्चा पहली क्लास में है तो पहली के स्तर के अनुसार, 10th में है तो 10th की स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री का चुनाव होना चाहिए। और लास्ट आपका लेखन कौशल, लिखने की बात हो रही है मित्रों तो देखिए इसमें राइटिंग स्किल। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप है एवं भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के रूप में एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति, जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वह भाषा का क्या कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना लिखना है। उद्देश्य क्या है इसके? छात्र सोचने, निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा लिख करके। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। छात्र ध्वनि, ध्वनि समूह, शब्द, सुक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा इसके द्वारा। तो ये उद्देश्य हो गए मुख्य। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा, कहाँ पर कोमा लगानी है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, तो इनका प्रयोग अच्छे से कर सकेगा। अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेगा। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होगा। वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थ के अनुकूल रख सकेगा। तो ये उद्देश्य है इसके। विभिन्न रचनाओं वाले वाक्यों का शुद्ध गठन कर सकेगा। इसके बाद में इसके गुण हैं, लेखन कौशल के गुण। लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडोल हो, उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता हो, जैसे ये लिखा हुआ है इसी प्रकार से। विषय शिक्षण सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। भाषा एवं शैली में प्रभाव उत्पादकता हो। भाषा व्याकरण सम्मत हो, व्याकरण भी उसमें दी हुई हो। अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभाव उत्पादक हो। संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप में और स्पष्ट भी हो, प्रभाव उत्पन्न करने वाली हो। कुछ विधियां हैं इसकी लेखन शिक्षण की, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग स्किल, देखिए कौन कौन सी हैं। पहली दे रखी है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी ने लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ है तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। तो ये ध्यान में रखें मित्रों, लेखन शिक्षण की विधियों में मोंटेसरी विधि आती है आपकी। पहली, लिखना सिखाने में मोंटेसरी ने क्या किया, आंख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया। आंख का भी प्रयोग करें लिखते समय या लिखना सिखाने संबंधित, कान का प्रयोग करें और हाथ तीनों का समुचित प्रयोग। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। आपने भी देखे होंगे आजकल उभरे हुए अक्षर आते हैं, उन पर बच्चों से कहा जाए कि इस पर उंगली फेरो बार बार, तो वो धीरे धीरे उसको सीख जाता है। या फिर जो आपकी तख्ती आती है उस पर लिखवाएं, स्लेट पर शुरुआत में बड़े अक्षरों का प्रयोग करें और फिर उसको बच्चे को उस पर बार बार जो भी पेंसिल है उससे घुमाने के लिए कहें,
बार बार उस पर घुमाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अभ्यास से वह स्वयं लिखना शुरू कर देगा। इसके बाद में विधियां आती हैं, रूप रेखानुकरण विधि। ये देखिए क्या होती है। इस विधि में शिक्षक श्यामपट या स्लेट पर चाक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उनके निशाने पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है। जैसे ये देखिए, इस प्रकार से ये इस प्रकार से बिंदु बना दिए जाएंगे और फिर शिक्षक कहेगा कि इनको मिलाइए, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और मिलाएंगे तो ये आपका वर्ण बन जाएगा इस प्रकार से, जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है जो भी विद्यार्थी है। बार बार रूप रेखा अनुकरण, इसी को बोलते हैं। स्वतंत्र अनुकरण विधि, ये देखिए क्या होती है। इसमें अध्यापक श्यामपट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है, तो ये थोड़ा कटा हुआ है पेज, इसी में स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो श्यामपट कॉपी स्लेट इन पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को उसका अनुकरण करने के लिए कहता है। अब श्यामपट पर टीचर ने लिख दिया जैसे कह, और उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, अपनी कॉपी है स्लेट है उसमें उसी प्रकार का अक्षर लिखने का प्रयत्न करते हैं। कोई टूटा फूटा लिखेगा, कोई कैसा लिखेगा, कोई बहुत ही सुंदर लिख देगा, वैसा का वैसा लिख देगा जैसा सर ने लिखा है। तो इस प्रकार से बच्चे सीख जाएंगे, इसको बोलते हैं स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसके बाद में है आपकी तुलना विधि। हिंदी भाषी क्षेत्रों में तुलना विधि उपयोगी मानी जाती है। बालक को तीसरी चौथी कक्षा में मातृभाषा के लेखन का अभ्यास हो चुका होता है, अतः उसे तुलना करते हुए हिंदी भाषा शीघ्रता से सीखी जा सकती है। लेखन शिक्षण के लिए आवश्यक बातें, तो ये बातें निम्नलिखित हैं। देखिए, बालक को लिखना तभी सिखाएं जब वह लिखने में रुचि ले। अक्षरों को सरल से कठिन के क्रम में लिखना सिखाया जाए, जैसे प व र भ आदि अक्षर पहले, अक्षय त्रय गे आदि कठिन अक्षर बाद में। वाक्य भी सरल से कठिन की ओर सूत्र के आधार पर लिखने सिखाए जाएं। अध्यापक को चाहिए कि वह बालक के लिखने की गति पर प्रारंभ में ध्यान न देकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दे। यह नहीं कि बालक कितनी गति से लिख रहा है, धीरे लिख रहा है या जल्दबाजी करके लिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अक्षर किस प्रकार के लिखे हैं, जो भी शब्द दिए गए हैं वो कैसे लिखे हैं, वाक्यों की शुद्धता कितनी है। प्रारंभ में अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे अक्षर नहीं लिखने चाहिए। कह लिखा तो बड़ा सा लिखना है जिससे उनको अच्छे से दिखाई दे कि हाँ ये है। इस प्रकार से बालक के मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए, उनको प्रेरित करें कैसे भी करके कि ये लिखेंगे आज तो हम ये खेल अच्छा सा खेलेंगे, या इसके बाद में आप सभी को एक टॉफी दी जाएगी, यानी प्रत्येक बच्चे को एक टॉफी खिलाई जाएगी। तो ये कुछ करने के लिए जैसे महीने में एक बार हो जाए इस प्रकार की क्रिया, तो उदासीनता नहीं आएगी बच्चों में। लिखना सिखाते समय बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सभी बालक एक सा नहीं लिख सकते हैं। अब उसको डांटे नहीं, फटकारे नहीं कि ये बच्चा देखो कितना सुंदर लिख रहा है और आपने कैसा लिखा है, इस प्रकार के नहीं। उसको कहें, उसको समझाएं अच्छे से, उसको बैठकर बार बार उसका शब्द का अभ्यास करवाएं कि इस प्रकार से लिखो आप, थोड़ा सा उसको अक्षर बड़ा लिख दो कि आप पहले इस पर घुमाओ, बार बार इस पर पेंसिल को घुमाओ, और वह अभ्यास करेगा तो सीख जाएगा। लेखन कार्य पढ़े हुए अंश से सिखाना चाहिए, बालक पढ़ी हुई बात को आसानी से लिख लेते हैं क्योंकि उनके सामने अक्षर हैं, वर्ण हैं, शब्द हैं, वो बार बार आते हैं तो उनके पकड़ हो जाती है, वो शब्द उनके लिखने में इतनी समस्या नहीं आती है।
तो ये था मित्रों भाषा कौशलों का विकास, जिसमें आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है। जुकाम हो रखी है, अच्छी हो रखी है, फिर भी वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। ये आज का, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।